हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल News48। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हों, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता संविदा कर्मियों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण न्यूज आपको हमेशा सबसे पहले प्राप्त होती है। आंगनबाड़ी बहनों के लिए खुशखबरी, 13.7 लाख आंगनबाड़ी केंद्र होंगे हाईटेक। जी हाँ, आप जानते हैं देश भर के सभी राज्यों में 13 लाख से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र हैं, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी भी आधारभूत सुविधाओं की कमी है। बहनों को समय पर वेतन नहीं मिल पाता है, वेतन बढ़ोतरी नहीं हो पाती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को जो है वो पूरी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। लाइट्स भी सभी आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं है, शौचालय की भी सुविधा नहीं है, कहीं पे पानी की सुविधा नहीं है। तो इन सभी तमाम बातों को लेकर जो है वो आंगनबाड़ी बहनें जो है वो परेशान रहती हैं। लेकिन अब बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, 13.7 लाख आंगनबाड़ी केंद्र को सरकार हाईटेक करने जा रही है। सरकार ने देश भर में 13.7 लाख आंगनबाड़ियों को हाईटेक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में पायलट प्रोजेक्ट के तहत 50,000 आंगनबाड़ियों को कंप्यूटर व अन्य आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनबाड़ियों की निगरानी के लिए एक तंत्र विकसित करने पर भी काम कर रहा है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय का लक्ष्य तहत 6 साल तक 16.5 करोड़ बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अच्छी शिक्षा, पोषण युक्त भोजन और स्वस्थ वातावरण मुहैया कराना है। हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में बताया था कि देश में अभी भी जो है वो 1,59,568 आंगनबाड़ियों में पीने तक का पानी उपलब्ध नहीं है। वहीं 3,63,940 में शौचालय नहीं है, जबकि सरकार के पोषण अभियान का दारोमदार इन्हीं केंद्रों पर निर्भर है। अब सरकार ने अगले 4 साल में आंगनबाड़ियों के कायाकल्प की योजना पर फरवरी से काम शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली है। जी हाँ बहनों, अब आंगनबाड़ी केंद्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। फरवरी से ही ये कार्य सरकार शुरू कर देगी। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था की जाएगी। जहाँ पर शौचालय नहीं है, वहाँ पर शौचालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा जिन आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली नहीं है, वहाँ पर बिजली की सुविधा भी सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। अब एक रंग में नजर आएंगे आंगनबाड़ी केंद्र, पहचानने में नहीं होगी मुश्किल। जी हाँ, महिला एवं बाल विकास विभाग इस योजना पर काम कर रहा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को एक रंग में रंग दिया जाए, जिससे आम जनता को या फिर किसी भी अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्र पहचानने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो बहनों, देश के आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है वो हाईटेक किया जाएगा और आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय बढ़ोतरी पर भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि सभी दारोमदार जो होता है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका भी होता है। तो सरकार जो है वो बहनों का मानदेय केंद्र सरकार अपना से वो बढ़ा सकती है, इसकी काफ़ी मांग है वो भी की जा रही है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी हुई हर न्यूज़ हम आपको सबसे पहले देते हैं। बहनों, क्या आपके आंगनबाड़ी केंद्र में शौचालय, पानी या फिर बिजली में से किसी की कमी है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तहत उन आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है वो सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने वाली हैं। तो आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई हर न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।